नमस्कार दोस्तों, तो सोमवार 2 अगस्त के लिए कुछ शेयर बताना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहला DCW लिमिटेड, इसका 41.5 और 42.5 का टारगेट रहेगा, 39 रुपए पे स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, तो इसमें इजीली आपको ये टारगेट अचीव होने के चांसेस हैं। काफी अच्छा रिजल्ट रहा है इसका स्टॉक का, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं सोमवार को। पर एक नजर केरला के केसेस पे बना के रखेगा कोविड के, क्योंकि कोविड के केसेस धीरे धीरे केरला में बढ़ रहे हैं। इसका 39 रुपए स्टॉप लॉस, 40.5 पे बाइंग लेवल। अगला होगा रेमिको, इसका टारगेट 71 से 73 रुपए, 70 रुपए पे बाइंग लेवल और 69 पे इसका स्टॉप लॉस। क्यों इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, ये इसका रीजन है। और बाइंग लेवल हमेशा ध्यान रखिए, बाइंग लेवल से ज्यादा ऊपर हो ओपन तो मत बाय कीजिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड नहीं है ये बात। कहीं आप बाइंग लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर खरीद लें फिर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अशोका बिल्डकॉन, 110 से 111 रुपए तक के टारगेट, 108 रुपए का स्टॉप लॉस और 109 रुपए पे बाइंग लेवल। इसके चांस रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि इसमें भी बहुत बड़ा ऑर्डर इसको मिला है अशोका बिल्डकॉन को, इस वजह से इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है मंडे के दिन में। तो ये होगा हमारा तीसरा स्टॉक जिसमें कि मंडे के दिन में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तीन में से 2 स्टॉक तो ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस वजह से तेजी देखने को मिलेगी। अगला होगा केसी इंटरनेशनल, 430 से 433 रुपए तक के टारगेट, 425 रुपए का स्टॉप लॉस और 428 रुपए पे बाइंग लेवल। इसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी सोमवार के दिन में, तो इसको भी बाय करने की रिकमेंडेशन है। स्टॉक को भी एक लॉस वाला और बनाएंगे, मतलब कि जिसमें आपको सेल करना है जिन शेयर्स को, तो उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। और वीडियो आप कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बीच में रह गई थी कि कुछ दिन वीडियो पूरी नहीं बना पा रहे थे इंट्राडे की, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज 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 वीडियो को। चंबल फर्टिलाइजर, 310 से 315 के टारगेट, 306 पे आप स्टॉप लॉस बना के रखिए और 308 पे बाय कीजिए। इसका रीजन मेन क्या होगा, इसका रीजन है कि चाइना ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है कई चीजों का, तो इनसे फायदा किसको होगा, इन कुछ कंपनियों को फायदा होगा जिसमें UPL, चंबल, RCF ये सारी कंपनीज होंगी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इस पे भी नजर बना के रखिएगा मंडे के दिन में, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके इन्वेस्ट जरूर करिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, डू लाइक शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।